नमस्कार, मैं दीक्षा गोलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत कोटला रोड पर पुलिस को मिली सूचना के चलते स्विफ्ट गाड़ी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 तमंचे और 1 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद हुए। घटना का पूरा खुलासा एसपी सिटी के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आशीर्वाद मैरिज होम के पास कुछ लोग आ रहे हैं गाड़ियों से, जो कि साथी किस्म के अपराधी हैं, उनके पास असलहे हो सकते हैं। इस सूचना पे हमारी उत्तर थाने की टीम लगी हुई थी। जैसे ही इन लोगों ने उनको वहाँ पर रोका, उतर करके इन लोगों ने फायर करना शुरू किया था। हिकमत अमली से इनको पकड़ लिया गया, जिसमें 3 लोग पकड़े गए थे, हेमंत, राजेंद्र और बबलू। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास से प्रतिबंधित बोर के 12 जिंदा कारतूस, 455 बोर के मिले, 455 बोर का इनके पास तमंचा भी मिला, 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस मिले। मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है किस तरह की गाड़ी है। सर, इससे पहले भी अपराध किया था ना? इनके पहले का भी ज्ञात नहीं हुआ है, ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन इतना पता चला है कि किसी शातिर आदमी के लिए काम करते हैं, किसी दबंग आदमी और शातिर आदमी के लिए ये लोग काम करते हैं, ये ज्ञात हुआ है।